This video is sponsored by KW Delhi 6. नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमने कॉन्फिडेंस के बारे में बात की थी। सोचने की बात यह है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है। एक रीजन तो ये है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, देयर आर फेलियर्स दैट हैपन। पर एक बहुत बड़ा रीजन जो रिसर्च कहती है वो ये है कि हमारे साथ बिना हमारे जाने बहुत कंटिन्यूसली शायद मानसिक शोषण, मानसिक अत्याचार हो रहा हो, जिसे इंग्लिश में इमोशनल अब्यूज कहते हैं। सोचने की बात ये भी है कि इमोशनल अब्यूज के बारे में लोग बोलते तो जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इमोशनल अब्यूज होता क्या है। अगर आपको बात बात पे डांटा जाता है, छोटी सी गलती पर आप पे चीखा चिल्लाया जाता है, अगर आपको अपनी मर्जी से खाने पीने कहीं जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, अगर आपको अपनी मर्जी से चीजें करने नहीं दिया जाता है, अगर आप कुछ भी करने से पहले डरते हैं, इफ द पर्सन अराउंड यू इज अनप्रेडिक्टेबल टू द एक्सटेंट कि आप कुछ भी करने से पहले चार बार ये सोचते हैं कि ये बात हो जाएगी तो कहीं दूसरा इंसान चीखेगा तो नहीं, ऑल ऑफ दीज आर साइंस ऑफ इमोशनल अब्यूज। पर एक बहुत बड़ी चीज ये भी है, कई बार हमारे आसपास के लोग हमें पनिश करने के लिए हमसे बात नहीं करते। हमें लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई है। रिजेक्शन थ्रू आइसोलेशन, रिजेक्शन बाय नॉट टॉकिंग टू अस, इज अ वेरी वेरी बिग एंड कॉमन फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज। इतनी कॉमन कि हम समझते भी नहीं, हमें लगता है दूसरा इंसान गुस्सा है हमसे इसलिए बात नहीं कर रहा। But that is a way of manipulating us, and that is actually called emotional abuse. क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी दुकान बुक कीजिए KW Delhi 6 में। Grab double bonanza offer. Offer valid till 31st July 2020. Hurry! ये जानना बहुत जरूरी है कि इमोशनल अब्यूज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और ये जानना भी जरूरी है कि इमोशनल अब्यूज से हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि इमोशनल अब्यूज हमारे जानने वालों के थ्रू होता है। ऐसे लोग जो हमें अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ के लोग, कलीग्स, फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, घर के बहुत निजी लोग, इसलिए जब वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं हम उनकी बात मानने लगते हैं। एक साइकिल बनती है, उनका क्रिटिसिज्म, हम अपने बारे में और कम सोचते हैं। हम जितना अपने बारे में कम सोचते हैं, द अब्यूजर विल कंटिन्यूअसली कीप सेइंग थिंग्स टू फर्दर क्रिटिसाइज अस। दैट क्रिटिसिज्म अल्टीमेटली लीड्स टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ एस्टीम। ना हम इस रिश्ते से निकल पाते हैं क्योंकि हमें अपने आप के बारे में उतनी ताकत नहीं होती, हमें लगता है कि हम कम हैं, और ना ही हम उस रिश्ते में रह पाते हैं क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसके अंदर सफर कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट रियली हैम्पर्स अस। हम बहुत लोगों के साथ काम करते हैं टू ब्रिंग वुमेन बैक इनटू द वर्कफोर्स, टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, एंड ज्यादातर केसेस में दैट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हैपेंस बिकॉज ऑफ इमोशनल अब्यूज। 50% women say that if they had more self-belief in themselves, if they were treated better at home, they would have had the ability to take on the world. That's a fact. मगर अब इस सब के बारे में किया क्या जाए? Let's see what can we do to handle emotional abuse. 1. Prioritize yourself. सबसे पहली priority आप खुद हैं। आपकी खुशियाँ, आपकी importance, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते। सेकेंडली, डोंट ट्राई टू फिक्स द अब्यूजर। द अब्यूजर इज द वे ही इज बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन। आप उसे फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स करने की कोशिश भी मत करें।
as I said, the priority is to fix yourself. Third, set your boundaries. It is very important next time, now that you know what self-emotional abuse is, go ahead and tell the person that it is not acceptable for him or her to do this to you. Politely but firmly, set those boundaries. It will give you a lot of confidence when you say no the first time. Fourthly, have a good support network of friends. ऐसे लोग जिन पर आप भरोसा कर सकें, जो आपको इस सिचुएशन से निकाल सकें. Again, very important. These are some of the things you can do to help yourself get out of a situation where you're going through emotional abuse. हम Find Your Voice campaign के through इस emotional abuse के बारे में awareness create करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, या आप उनसे बात करना चाहते हैं, या आप किसी को जानते हैं who is going through it, please reach out to us. We would really like to make a difference and help you in this situation. Thank you so much. Thanks for watching this video. For further details, contact us at 8010 908888. Thank you.